पाखंड के इस वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणी की है। वैदिक कालक्रम के अनुसार चार भिन्न प्रकार के युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन चार युगों का अर्थ है लगभग 43 लाख साल। ये चारों युगों की अवधि है जो कि एक बहुत बड़ी गणना है। और कहा गया है कि सत्ययुग में धार्मिक सिद्धांतों का कड़ाई से यानी पूरा 100% पालन किया जाता है। त्रेता युग में धार्मिक सिद्धांत 25% कम हो जाते हैं, यानी 25% अधर्म होता है और 75% धर्म। और फिर द्वापर युग में 50% धर्म और 50% अधर्म होता है, और यही धर्म कलयुग में बचता है केवल 25%, जो क्रमशः क्षीण होता जाता है और आखिर में धर्म शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस कलयुग का प्रारंभ कुरुक्षेत्र के युद्ध के तुरंत बाद हुआ, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इस धरा से स्पर्शीभूत थे, तब तक कली प्रवेश न कर सका। और इस कलयुग के हमने अभी कुल 5,000 वर्ष बिताए हैं और 4,27,000 साल अभी भी बाकी हैं। और कलयुग का ये वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में दिया गया है, जिसकी रचना स्वयं भगवान के अवतार श्रील व्यास देव जी ने की है। क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता थे, अतः वे पूर्ण यथार्थता के साथ कलयुग का वर्णन कर सके। और ये वर्णन है कि कलयुग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। वित्तमेव कलौ नृणाम, यानी आप किसी तरह से धन प्राप्त करते हैं तो मानो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आप तीसरे दर्जे के, चौथे दर्जे के या 10वें दर्जे के व्यक्ति हो सकते हैं, किंतु यदि आप किसी भी तरह से धन प्राप्त कर लेते हैं तो आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। आपके संस्कार, कुलीनता, शिक्षा या ज्ञान का प्रश्न ही नहीं रहता, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी। यह कलयुग है। धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणम बलमेव ही अवृत्ताय न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वचः, यानी यदि आपके पास धन नहीं तो न्यायालय में आपको न्याय नहीं मिलेगा, अतः धन का महत्व है वास्तविक योग्यता का नहीं। और यदि कोई दक्षता से बोलता है तो लोग ये नहीं देखेंगे कि वह क्या बोल रहा है, चाहे कोई समझ न सके फिर भी वह पंडित कहलाता है। यानी जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। यदि आप गरीब हैं तो आप बेईमान हैं। सत्यत्वे धाष्ट्यामेव ही, यानी जो व्यक्ति केवल शब्दों का माया जाल रचता है उसे सत्यवादी समझा जाएगा। दाक्षम कुटुंबम भरणम, उस व्यक्ति को अत्यंत निपुण माना जाएगा जो अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों का पालन कर सकेगा। इसका अर्थ यह है कि यह एक बहुत मुश्किल काम बन जाएगा, जो अब भी मुश्किल बन चुका है। परिवार का पालन करना वर्तमान में भी एक बोझ बन गया है और इसीलिए कोई शादी नहीं करना चाहता। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट छल पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय कामशास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और केवल जनेऊ पहन लेने भर से किसी को ब्राह्मण मान लिया जाएगा। कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता से पीड़ित होगी और नास्तिकता के कारण लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करेंगे। जहां जलाशय होगा उसे तीर्थ स्थान मान लिया जाएगा और बालों की सजावट को, केश सज्जा को मनुष्य की सुंदरता का आधार माना जाएगा। धर्म का पालन मात्र यश पाने के लिए होगा, चाहे उन्हें भगवान के विषय में कुछ पता हो या नहीं। तथा ज्यों ज्यों इस युग में कठिनाइयां, संघर्ष बढ़ते जाएंगे, बहुत अधिक अकाल, अनावृष्टि और कर यानी टैक्स से सताए हुए लोग परेशान होकर जंगलों में जाकर पत्तियां, जड़े, मांस, फल फूल और बीज खाने को विवश होंगे। श्रीमद् भागवतम में भविष्य का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। जिस तरह वृक्ष से विलग हुई पत्ती सूख जाती है और विनष्ट हो जाती है, ठीक उसी तरह जब मानव समाज का संबंध भगवान से, परमेश्वर से टूट जाता है तो हिंसा तथा अव्यवस्था के कारण वह मुरझाकर बिखर जाता है।
एक छोटा सा उदाहरण कि हमारे पास कंप्यूटर और मिसाइल है, एटम बॉम्ब है, लेकिन यदि भगवान वर्षा ही नहीं करें तो हम भूखों मर जाएंगे। और इस तरह से शीत, उष्ण, ओलों की वर्षा, इन सब से व्यथित होते होते धीरे धीरे मनुष्य की जीवन अवधि बहुत कम हो जाएगी। शरीर भी धीरे धीरे आकार में कम होते चले जाएंगे। और सबसे प्रसिद्ध व्यवसाय होंगे चुराना, झूठ बोलना और हिंसा करना। सब व्यक्ति शूद्र हो जाएंगे व गाय का आकार बकरी के जैसा हो जाएगा। जॉइंट फैमिलीज यानी संयुक्त परिवार होंगे ही नहीं। और ये तो हम आज भी देख रहे हैं कि आज का लोग एक साथ नहीं रह पाते। अधिकांश वृक्ष भी छोटे छोटे हो जाएंगे व आसमान में बादलों से वर्षा कम व बिजली अधिक चमकेगी। ये हैं कलयुग के क्लेश, कलयुग के लक्षण। और तब कलयुग के अंत में जब वह अपनी चरम अवस्था पर पहुंचेगा, भगवान आएंगे कल्कि रूप में। वे धर्म का संरक्षण करेंगे और उन सभी चोर व तथा कथित राजाओं का वध करेंगे जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे होंगे। और तब भगवान पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे। और फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ होती है कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। परंतु कलयुग में रहते हुए भी हम हर क्लेश से मुक्त रह सकते हैं केवल हरिनाम का कीर्तन करने से। ऐसा करने से व्यक्ति हर पाप से उसी तरह मुक्त हो जाता है जिस प्रकार अग्नि में तपने पर सोना कुंदन बनकर चमक जाता है। अतः आइए इस मानव जीवन का पूरा लाभ उठाएं और अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर सदा सर्वदा के लिए इस काल के गाल से मुक्त हो जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए।